CSS मार्जिन की प्रॉपर्टी वेब डिजाइनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और साथ ही साथ पैडिंग भी, जिसकी वीडियो नेक्स्ट आने वाली है बहुत ही जल्दी। गाइस मार्जिन को लेकर मैंने वेब डिजाइनर्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन देखी है। ऐसा क्यों? वो सिर्फ आउटपुट पर फोकस करते हैं कि आपका जो आउटपुट डिजायर्ड है वही आ जाए, बस किसी भी तरीके से आ जाए। बट गाइज इस वीडियो को देखने के बाद आप एक प्रो लेवल के वेब डिजाइनर हो जाओगे, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपका मार्जिन से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज हैं वो सारी सॉल्व आउट करने वाला हूँ। Guys, without much time, let's get started. So guys, look at this. हम अपनी स्क्रीन के अंदर आ चुके हैं और ये है हमारा कोड और ये है इसका आउटपुट। तो सबसे पहले हम एक div बना लेते हैं, alright? तो मैंने यहाँ पे थोड़ा स्पेस लिया और मैंने div वन करा और यहाँ पे मैंने div वन बना लिया है। और हम CSS में जाएंगे, जैसे कि हम इंटरनल स्टाइल शीट करते हैं ऑलवेज, तो स्टाइल टैग ओपन करेंगे। So guys, अभी मैं div को डिजाइन कर लेता हूँ, बट इसके अंदर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात का आपको ख्याल रखना पड़ता है, उसके बारे में आगे बात करूंगा मैं। उसको बिल्कुल भी मिस मत कर देना, और अगर आपने मिस कर दिया ना तो अपने आप को प्रो बिल्कुल मत बोलना, ठीक है? तो अभी फिलहाल मैं div का डिजाइन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे div वन, ठीक है, ब्रेसिस ओपन क्लोज, और मैं इसको हाइट दे देता हूँ। हाइट में यहाँ पे 300 pixels, ओके डन। एंड विड्थ भी मैं यहाँ पे आपको 100% कर देता हूँ, ठीक है, विड्थ मैं यहाँ पे 100% कर देता हूँ। और इस डिफ का मैं बैकग्राउंड कलर ले लेता हूँ, ठीक है, बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू है, यस है। तो मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो लुक एट दिस, ये आपका डिफ यहाँ पे आ गया है, ठीक है ना? तो अब चलिए मार्जिन का खेला शुरू करते हैं। खेला तो शुरू होगा, बट गाइस मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो मैं आपको बताऊँगा, वो बिल्कुल भी मिस मत करना, ऑलराइट? तो ये हाइट, वेथ, बैकग्राउंड कलर, अब मार्जिन लिखते हैं हम। मैं लिखा मार्जिन, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे मार्जिन की आपको दिख रही है। तो मैं अभी फ़िलहाल करता हूँ मार्जिन टॉप, मैंने मार्जिन टॉप लिखा, ओके, और यहाँ पे मैंने दिया 50 pixel, ठीक है। अब मार्जिन मैंने कहाँ से दिया है? टॉप से। तो आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको स्पेस नज़र आएगा, मैं रिफ्रेश करूँगा। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्जिन 50 पिक्सल का आ चुका है, बट इसको हम देखेंगे कैसे। ऑल दो ये 50 पिक्सल का आ गया है, अपने आप तो नहीं हुआ है, बट इसको देखने के लिए हमारे पास एक चीज़ होती है, दैट इज़ कॉल्ड बॉक्स मॉडल। बॉक्स मॉडल की वीडियो मैं आपके लिए डेडिकेटेड बनाऊँगा, ऑल दो मैं इसमें भी बता सकता हूँ, बट मैं आप लोगों को प्रो बनाना चाहता हूँ। तो आपको ये प्रो बनाने के लिए फुल इन्फॉर्मेशन A to Z होनी चाहिए, तो उसके लिए मैं वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा ज़रूर। और ये इंटरव्यू में भी काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है बॉक्स मॉडल के बारे में, तो उस वीडियो को बिल्कुल आप मिस मत करना। तो अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे 50 पिक्सल मार्जिन टॉप से मैं लेके आ गया हूँ। तो अब आप देखिएगा मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है, मैं करने वाला हूँ मार्जिन लेफ्ट कितना, 100 pixel। अब मैंने यहाँ पे मार्जिन क्या दिया है, 100 pixel। मैं सेव करूँगा, रिफ्रेश करूंगा, तो लुक एट दिस, यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट 100 पिक्सल आ गया है और जो मेरा डिव है लुक एट दिस यहाँ पे जा चुका है। ये देखिए नीचे स्क्रॉल बार आ गया जैसे मैंने 100 पिक्सल दिया है। अब मैं आपको उसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ, लुक एट दिस, यहाँ पे 50 पिक्सल का ऊपर टॉप से है, और अगर मैं लेफ्ट का देखूंगा तो लुक एट दिस, लेफ्ट का यहाँ पे 100 पिक्सल आ चुका है, यानी कि डिव 100% विड्थ ले रहा है, लेकिन ये देखिए हमारे पास नीचे स्क्रॉल बार आ गया है। और किसी भी वेबसाइट में आपने स्क्रॉल बार देखा है नीचे आपको ऐसे करते हुए, हालांकि सिर्फ ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर के लिए देखा होगा, आपने लेफ्ट और राइट नहीं देखा होगा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग मिस्टेक्स करते हैं कि 100% विड्थ दे देते हैं और लेफ्ट और राइट मार्जिन देते रहते हैं, और फिर देखते हैं कि यार नीचे स्क्रॉल बार कैसे आ रहा है। तो यहीं पर तो सबसे बड़ी मिस्टेक है आप लोगों की। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ कैसे सॉर्ट आउट करनी है, चलिए देखते हैं, ठीक है। सो गाइज अब इसको सॉर्ट आउट करने के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको विड्थ कितनी लेनी है, आप पिक्सल्स कितने ले रहे हैं, विड्थ कितनी ले रहे हैं, ठीक है। इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए आपको चाहिए कि आप विड्थ को कैलकुलेट करके रखें। अगर आपको नीडेड है कि आपको पैडिंग यूज़ करनी है या फिर मार्जिन यूज़ करना है, तो कितना यूज़ करना है उस हिसाब से आपको विड्थ की परसेंटेज डिसाइड करनी पड़ती है, राइट? तो अभी फिलहाल के लिए मेरे लेफ्ट साइड में देखिए 100 पिक्सल का स्पेस है, तो मैं अभी 80%, ठीक है, 80% विड्थ कर देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो लुक एट दिस, मेरा स्क्रॉल बार यहाँ पे गायब हो चुका है, ठीक है। अभी यहाँ से आप देखिए राइट में स्पेस आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मैंने मार्जिन नहीं दिया है क्योंकि मैंने विड्थ का सिर्फ 80% लिया है, राइट? थोड़ा बहुत कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा, बट बिल्कुल सिंपल है, मैं इससे सिंपल तो नहीं समझा सकता, ठीक है। क्या कह रहे हो सर आप, इतने बस समझाते हो।
तो गाइज अब मैं यहाँ पे मार्जिन टॉप मार्जिन लेफ्ट हटा देता हूँ आपके लिए। ऑल राइट, सेव करूंगा, रिफ्रेश करूंगा तो लुक एट दिस, यहाँ पे ये एज इट इज आ गया है। ओके, और विड्थ मैंने 80% यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं मार्जिन की शॉर्ट हैंड यूज करूंगा। शॉर्ट हैंड जैसे मैं हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट राइट। तो अभी मैं क्या लिखा हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा मार्जिन। ऑल राइट, अब हम टॉप राइट बॉटम लेफ्ट तो करेंगे, बट इन द मीन टाइम अगर आपको एक डिफ को सेंटर में करना है राइट, तो कैसे करोगे वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो अभी फिलहाल मैं टॉप से देखिए 50 पिक्सल ले रहा हूँ मार्जिन। ठीक है, उसके बाद क्या, राइट, राइट में क्या होता है, मैं राइट से ले रहा हूँ 0, मैं राइट से कुछ नहीं ले रहा। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे बॉटम से कुछ भी ले लेता हूँ 100 पिक्सल, क्योंकि अभी तो मेरे पास बॉटम में बहुत ज़्यादा स्पेस है, यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस है। और लेफ्ट से मैं ले लेता हूँ 100 पिक्सल अगेन। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बता दिया, आपको समझ में आएगा आउटपुट के बाद। मैं यहाँ पे सेव करूँगा, रिफ्रेश करूँगा, लुक एट दिस। तो राइट से मैंने 0 लिया है, 0 पिक्सल, क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, और ना ही आपको दिखने वाला था अभी, क्योंकि मैं खाली एक डिप से काम कर रहा हूँ। और बॉटम में जैसे आपको नहीं दिख रहा, मैंने बॉटम 100 पिक्सल लिया है ना, दिख रहा है? नहीं ना, कुछ अभी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने नीचे डिप नहीं बनाया है। ठीक है, और ये चीज़ बॉक्स मॉडल में दिखती है, जिसकी वीडियो मैं बहुत जल्द लेके आ रहा हूँ। ओके, लेफ्ट से मैंने 100 पिक्सल लिया है, टॉप से 50, लेफ्ट से 100 पिक्सल मैंने ले लिया है। तो यहाँ पे देखिए, टॉप राइट बॉटम एंड लेफ्ट। तो इस तरीके से आप मार्जिन को शॉर्ट हैंड से लिख सकते हैं, अलग अलग आपको देने की ज़रूरत नहीं है। मार्जिन टॉप, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन बॉटम, मार्जिन राइट, इस तरीके से आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप शॉर्ट हैंड लिख सकते हैं। बट अब मैं आपको बताऊंगा मार्जिन के अंदर कि कहाँ पे कितनी कन्फ्यूज़न आती है। ठीक है, सबसे पहले जब भी हम कोई भी वेबसाइट बनाते हैं, कोई भी वेबसाइट बनाएंगे, ठीक है, उसमें हम यूज़ करेंगे स्टार। ठीक है, जो भी हमारा मेन डिव होगा स्टार, स्टार का मतलब है पूरी बॉडी पे अप्लाइड, जो भी हमारा कैनवास होता है बॉडी का, पूरी बॉडी पे अप्लाइड हो जाता है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुनना ये चीज़, और अगर आपने मिस कर दी तो फिर मत बोलना कि टेक्नोब्रेन से सीखा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, ब्रेसिस ओपन करे, यहाँ पे लिखा मैंने मार्जिन, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया 0, और यहाँ पे लिख दिया मैंने पैडिंग, वो भी 0। ठीक है, पैडिंग की नेक्स्ट वीडियो आएगी, मैं आपको बताऊंगा पैडिंग किसे कहते हैं। तो मार्जिन हमारा होता है डिव के बाहर, ठीक है, डिव के बाहर, ना कि डिव के अंदर। मार्जिन का मतलब है आउटसाइड, मार्जिन का क्या मतलब है, आउटसाइड, हमेशा याद रखना। तो देखिए ना, आउटसाइड से तो आ रहा है, ये देखिए, ये तो ऊपर से, नीचे से, राइट से, लेकिन बाहर से, अंदर से नहीं। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए मैंने क्या करा, यहाँ पे स्टार लगाया, मार्जिन पैडिंग 0, मैंने सेव करा। सो गाइस, स्टार का मतलब यहाँ पे क्या है, स्टार का मतलब है कि आपका जो पूरा वेब पेज है उस पर ये प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हो जाएंगी जो मैंने इसके अंदर लिखी हुई है, यानी कि मैंने मार्जिन कहा 0 और यहाँ पे पैडिंग कहा 0। ठीक है, तो आप अब मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा कि इसमें थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। क्या पड़ेगा, देखो रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करा तो लुक एट दिस, थोड़ा सा फ़र्क पड़ा ना। ठीक है, क्योंकि हमारे वेब पेज में जब भी हम डिज़ाइन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ना कुछ मार्जिन और कुछ ना कुछ पैडिंग होती है, बाय डिफ़ॉल्ट, हो या ना हो। तो मैं इसका आपको सबूत भी दे देता हूँ, कैसे, देखो अभी फिलहाल के लिए मैंने क्या कर रखा है, मार्जिन वगैरह दे रखा है, सब चीज़ें मैं हटाता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, मैंने मार्जिन दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। मैंने कमेंट करा, सेव करा, रिफ्रेश करा, तो लुक एट दिस, यहाँ पे आप देखिए ऊपर से कोई स्पेस नहीं आ रहा है, लेफ्ट से कोई स्पेस नहीं आ रहा है। ठीक है, अब जैसे ही मैं ये प्रॉपर्टी हटाऊंगा तो लुक एट दिस, मैंने कट करा, सेव करा, रिफ्रेश करा, तो लुक एट दिस, टॉप से और लेफ्ट से कुछ ना कुछ मार्जिन आ रहा है ना, आया। मैंने कुछ भी नहीं लिख रखा, देखिए कोई कोड नहीं है यहाँ पे, मैंने मार्जिन वाला सब कमेंट कर दिया है और जो स्टार वाली चीज़ें थी वो भी मैंने हटा दी है। तब भी यहाँ पे देखिए आप, ये राइट से और लेफ्ट से स्पेस आ रहा है। तो ये क्या होता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट वेब पेज के अंदर रहता है। सो गाइस, यहाँ पे मैंने वापस स्टार लिख दिया राइट, और मार्जिन और पैडिंग यहाँ पे 0 कर दिया है। ओके, रिफ्रेश करूँगा तो लुक एट दिस, अब कोई भी यहाँ पे स्पेस नहीं आ रहा है। तो जब भी आप मार्जिन पैडिंग यूज़ करने जाएंगे, जब भी एक आप वेब पेज बनाने जाएंगे, तो इस चीज़ का आप खास तौर से ख्याल रखेंगे। ऑलराइट, तो ये चीज़ समझ में आई आपकी कि स्टार का रोल क्या है। ओके, तो अभी फ़िलहाल के लिए अब हम क्या करेंगे, मैंने जो आपको पहले प्रॉमिस किया था कि अगर आपको डिव को एकदम सेंट्रलाइज करना है तो क्या आप मार्जिन लेफ्ट से 100 पिक्सल 200 पिक्सल पे खेलेंगे, या फिर लेफ्ट से 1000 पिक्सल 500 पिक्सल ऐसे करके आएंगे,
नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। आपके पास एक चीज़ आती है, दैट इज़ कॉल्ड ऑटो। लेकिन ऑटो को समझना है आपको, ये नहीं कि आपने ऑटो यूज़ कर लिया और बस हो गया। इसी चक्कर में वेब डिज़ाइनर्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है वाइल मेकिंग अ वेब पेज और वेब डिज़ाइनिंग, राइट। तो अभी क्या इसका रोल है मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास ये कॉर्नर में है, ठीक है। अब देखिए, सो गाइस, अब मैं यहाँ पे लिखूँगा मार्जिन, ऑलराइट। मार्जिन के बाद अब मैं यहाँ पे दो वैल्यूज़ दूंगा। अब दो वैल्यूज़ का क्या मतलब है कि जो पहली वैल्यू होगी ना वो टॉप और बॉटम को रिकग्नाइज करेगी और सेकंड वैल्यू राइट और लेफ्ट को रिकग्नाइज करेगी। अब इसका मतलब क्या है, प्रैक्टिकली करते हैं, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले दिया यहाँ पे 100 पिक्सल, ओके, मैंने 100 पिक्सल दे दिया। अब सेकेंड वैल्यू मैंने दे दी ऑटो, ठीक है। मार्जिन का एक प्रॉपर्टी होती है ऑटो, राइट। तो अभी यहाँ पे दो वैल्यूज़ है। अब दो वैल्यूज़ का मतलब क्या हुआ कि जो 100 पिक्सल है ना, 100 पिक्सल का मतलब हुआ कि टॉप से और बॉटम से 100 पिक्सल का स्पेस आ जाएगा। और सेकंड वैल्यू जो हमारी ऑटो है, ऑटो का मतलब है राइट और लेफ्ट से हमारे पास ऑटोमेटिकली मार्जिन ले लेगा। अब कैसे लेगा, देखो मैं सेव करता हूँ यहाँ पे, ओके, और मैं यहाँ पे देखो रिफ्रेश करता हूँ, तो लुक एट दिस, टॉप से 100 पिक्सल, बॉटम से 100 पिक्सल और राइट और लेफ्ट से, ये देखिए पूरा पूरा ऑटोमेटिकली एग्जैक्टली इक्वल मार्जिन ले रहा है, ठीक है। तो मैं इसको आपको एक बार बड़ा करके दिखा देता हूँ, देखो लुक एट दिस, ठीक है, लेफ्ट और राइट से ये ऑटोमेटिकली मार्जिन ले रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ आपको फुल स्क्रीन पे दिखाता हूँ, ठीक है। तो लुक एट दिस गाइस, हमारी जो विड्थ थी डिव की 90% थी, अब मैं क्या करता हूँ इसको ना 50% कर देता हूँ, सेव करूँगा, मार्जिन वही रहने दूंगा, टॉप से और बॉटम से 100 पिक्सल, ठीक है। और जो राइट और लेफ्ट है मैं ऑटो पे ही छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो मैं सेव करूँगा और यहाँ पे जाके रिफ्रेश करूँगा, तो लुक एट दिस, तो ये देखिए राइट से और लेफ्ट से ये ऑटोमेटिकली स्पेस ले रखा है और ये सेंटर में आ गया है। जितनी भी पिक्सल या जितनी भी परसेंटेज का मैं विड्थ लूँगा तो ऑटो क्या करेगा, राइट और लेफ्ट से अपने आप एडजस्ट और इस डिव को ऑटोमेटिकली सेंटर में ले आएगा। ऑलराइट गाइस, समझ में आया। सो गाइस, ये ऑटो का यूज़ होता है और याद रखिएगा जहाँ भी आप ऑटो देते हैं तो वहाँ पे ये ऑटोमेटिकली अपने आप एडजस्ट हो जाता है। सो गाइस, आपको समझ में आया कि हम मार्जिन को कैसे यूज़ करते हैं। अगर आपको शॉर्ट हैंड लिखनी है तो शॉर्ट हैंड में कैसे लिख सकते हैं, और अगर आपको सेंटर में करना है तो ऑटो प्रॉपर्टी का क्या यूज़ है। ऑलराइट, और बाय डिफॉल्ट पेज के अंदर हमारा क्या आता है, कुछ मार्जिन और पैडिंग आती है। सो गाइस, अब हम बात कर लेते हैं प्रॉब्लमेटिक कंडीशन की, कि वेब डिज़ाइनर्स जब भी डिज़ाइन करते हैं तो उन्हें प्रॉब्लम कहाँ आती है और कैसे वो सॉर्ट आउट होती है, राइट। तो इसका नाम है मार्जिन कोलैप्स। मार्जिन कोलैप्स कैसे हो जाता है, ठीक है। तो अब हम अपनी स्क्रीन पे चलते हैं। अब हम अपनी स्क्रीन पे आ चुके हैं, जो हमारे पास कमेंट था मार्जिन पे मैंने उसको भी हटा दिया है, और अभी मैं यहाँ पे जो मार्जिन ऑटो है मैं इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। अभी फिलहाल मैं यहाँ पे सेव करूँगा, रिफ्रेश करूँगा, तो लुक एट दिस, कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। सो गाइस, यहाँ पे मैं अब क्या कर लेता हूँ, डिव टू बना लेता हूँ, डॉट डिव टू, ओके। और यहाँ पे मैं इसकी पूरी प्रॉपर्टीज़ कॉपी कर लेता हूँ एज इट इज़, और यहाँ पे डिव टू लिख देता हूँ, और यहाँ पे कलर मैं कोई अच्छा सा कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरा फेवरेट, वन ऑफ फेवरेट कलर है, इसके शेड्स भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो लुक एट दिस, ठीक है, पूरी प्रॉपर्टी यहाँ पे आपके पास आ गई है। बट अब जो मैं आपको प्रॉपर्टी बताने वाला हूँ, मार्जिन कोलैप्स, ये क्या है, अब ये आपको समझ में आएगा मार्जिन कोलैप्स किस खेत की मूली है, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे क्या करा, देखो मैंने मार्जिन 10 पिक्सल दे दिया, ठीक है, सेव करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, तो डिव वन में यानी कि जो ऊपर वाला डिव था मैंने मार्जिन 10 पिक्सल दे दिया, तो ये देखो चारों तरफ यहाँ पे 10 पिक्सल का गैप आ गया है, क्योंकि अगर हम मार्जिन के बाद एक वैल्यू देते हैं तो वो चारों साइड्स के लिए एप्लीकेबल होती है, ये बात याद रखना, ठीक है। जब भी हम मार्जिन या पैडिंग में एक वैल्यू देते हैं तो वो फोर साइड्स यानी कि चारों साइड के लिए एप्लीकेबल हो जाती है। अब मैं नीचे वाले डिव के अंदर देखो मैं 10 पिक्सल देता हूँ, ठीक है, 10 पिक्सल दिया, सेम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, देखो मैं सेव करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, तो लुक एट दिस, चारों तरफ से यहाँ पे भी 10 पिक्सल आ गया है। सो गाइस, अब आप तो कहोगे सर सही तो है, दिक्कत क्या है। भाई दिक्कत ये है कि ऊपर वाले पे मैंने 10 पिक्सल लिया था, नीचे वाले से भी मैंने 10 पिक्सल लिया था, तो यहाँ पे जो गैप होना चाहिए इन बिटवीन दिस 20 पिक्सल का होना चाहिए ना यार, कि पहले वाले डिप में मैंने क्या करा, 10 पिक्सल लिया तो चारों तरफ से 10 पिक्सल आया, और नीचे वाले डिप में मैंने जब 10 पिक्सल लिया तो चारों तरफ से 10 पिक्सल आया, तो यहाँ पे कितना गैप होना चाहिए, 20 पिक्सल का गैप होना चाहिए ना, कितना होना चाहिए, 20 पिक्सल का गैप।
लेकिन यहाँ पे आपको 20 पिक्सल ना मिलके 10 पिक्सल का गैप मिल रहा है, यानी कि 10 पिक्सल आपका लॉस हो गया है। तो इसे कहते हैं मार्जिन कोलैप्स, जहाँ पे आपका मार्जिन देने के बावजूद भी नहीं आता है। तो इसके चक्कर में गाइस वेब डिजाइनर्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या मैं मार्जिन दे रहा हूँ, आ नहीं रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। सो गाइस, तो आपको मार्जिन कोलैप्स प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्किल अप योरसेल्फ विद टेक्नोब्रेन्स।